बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रोज़ाना वाकयात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में एक चरवाहे को देखा जो कह रहा था ए खुदा और ए माबूद तू कहाँ है मुझे बता ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ तेरे जूते को पैवंद लगाऊँ और तेरे सर पर कंघी करूँ मैं तेरे नन्न मन्ने हाथ चूम लूँ और तेरे पाँव की मालिश करूँ और जब सोने का वक्त आए तो तेरे सोने की जगह को झाडूं, यानी साफ़ करूं। अगर तुझे किसी बीमारी का सामना हो तो मैं रिश्तेदारों की तरह तेरा इयादत करूं। ऐ मेरे खुदा तुझ पर मेरी जान फिदा मेरे तमाम बेटे घर का सामान माल भी फिदा ये सब बातें हकीकत के ख़िलाफ़ हैं लेकिन चरवाहे की मोहब्बत थी ये बातें जब हज़रत मोसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आपने फ़रमाया लड़के तो कैसी कैसी बातें कर रहा है लड़के ने जवाब दिया मैं उससे बातें कर रहा हूँ जिसने हमको पैदा किया मोसा आलाम ने फ़रमाया जिस तरह की तू बातें कर रहा है तो मुसलमान नहीं रहा तो काफिर हो गया है चरवाहे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से बड़ी तकलीफ़ हुई और उसने कहा ए मूसा तुमने मुझे ख़ामोश कर दिया इस चरवाहे ने अपने कपड़े फाड़ दिए और गर्म आह भरी सहरा की तरफ रुख गया और चल पड़ा यह सब देख कर अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा कर दिया ए मूसा तो लोगों को मुझसे मिलाने आया है ना कि जुदा करने हम जाहिर को नहीं देखते हम तो बातिन को देखते हैं दिल की हालत को देखते हैं जब मौसा आसलम ने यह हुक्म सुना तो चरवाहे के पीछे दौड़े और आपने उसको पा लिया और खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है जो जी में आए कहो तुम आशिक हो तुम्हारी हर बात अल्लाह को पसंद है एक दिन हज़रत सुलेमान सलेमान अपने शाही दरबार में बैठे थे कि एक सादा लो आदमी भागा भागा उनके दरबार में आया मारे खौफ के उसका बुरा हाल था रंग फक था और होंठ नीले हो रहे थे हज़रत सुलेमान ने उससे पूछा क्यों खैर तो है क्या बात है जो तुम इस कदर बेहाल हो रहे हो उसने कहा या हज़रत मौत के फरिश्ते हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बुरी तरह घूर कर देखा है मैं उस गज़बनाक निगाहों की ताब नहीं ला सकता हज़रत सुलेमान सलेमानसलम ने कहा तो फिर तुम क्या चाहते हो उसने कहा हवा आपके जेर फरमान है मेहरबानी करके हवा को, को हुक्म दीजिए कि वो मुझे यहाँ से उड़ाकर दूर हिंदुस्तान की सरजमीन में ले जाए शायद वहाँ पहुँच मेरी जान बच जाए हज़रत सुलेमान सलेमान ने हवा को हुक्म दिया हुक्म पाते ही हवा उसे हिंदुस्तान ले गई दूसरे दिन अदालत के वक्त हज़रत समान सलाम ने इसराइल आलाम से पूछा तुमने उस अल्लाह के बंदे को ग़ुस्से की नज़रों से क्यों देखा अगर तुमने इसलिए किया कि वो बेचारा अपना घर बार छोड़ भागे तो बड़ी हैरानी की बात है इसराइल आलाम ने जवाब दिया ए दीन और दुनिया के बादशाह उस आदमी ने गलत समझा मैंने उसे गुस्से भरी निगाह से नहीं बल्कि हैरानगी की निगाह से देखा था मुझे खुदा की तरफ से यह हुक्म मिला था कि उस आदमी की जान आज हिंदुस्तान में जाकर कब्ज़ करो उसे उधर देखकर मैं सख्त हैरान हुआ कि आखिर ये आदमी आज हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा? ये थी असल बात इससे उसे गलत फहमी हुई आखिर मैं जब खुदा के हुक्म से हिंदुस्तान पहुंचा तो उस आदमी को वहां मौजूद पाकर और भी हैरान हुआ मुझे क्या खबर थी कि यह आदमी आपका सहारा लेगा और खुद ब खुद अपनी मौत के मुकाम तक पहुँच जाएगा इस वाक्य को पढ़ने के बाद उमर शरीफ मरहूम के आखिरी चंद अम पर गौर करें तो अजीब सा एहसास पैदा होता है उमर शरीफ और उनके अहबाब और रुफकास सब ने हकूमत वक़्त से अपील की कि उन्हें इलाज की गरज से अमरीका भेज दिया जाए और फिर इसका इंतज़ाम भी हो गया और वो एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका रवाना हो गए रास्ते में जर्मनी पहुँच कर जहाज में खराबी के बायस उन्हें जर्मनी में ही एक हस्पताल में दाखिल करा दिया गया और फिर जनाब इसराइल अल्लाम ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली यानी जैसे सारी कोशिशें मरहूम को मकाम कज़ा तक पहुँचाने के लिए की जा रही थी मजीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें